इतनी बड़ा तूफान जो है यहाँ पे आया, लेकिन शर्म की बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन को जो है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को टस से मस नहीं हुई। कोई टीम कहीं कोई एक मक्खी भी मर जाती है तो हेलीकॉप्टर लेके जो है एलजी इंतजामिया के लोग पहुंच जाते हैं, मगर सुन बोर्ड के लोगों को इग्नोर किया गया। जिला इंतजामिया एलजी एडमिनिस्ट्रेशन लोगों के नुकसान का मुआवजा दो, मुआवजा दो। दुकानदारों के नुकसान का मुआवजा दो, मुआवजा दो। कुछ और से जवाब दो ना, तो ना बोलो यार। मुआवजा दो, मुआवजा दो। फसलों के नुकसान का मुआवजा दो, मुआवजा दो। जमीनों के नुकसान का मुआवजा दो, मुआवजा दो। होश में आओ, होश में आओ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, होश में आओ। लोगों के नुकसान का मुआवजा दो, मुआवजा दो। लोगों के नुकसान का मुआवजा दो, मुआवजा दो। ज्यादा 200 से ज्यादा घर तबाह हो गए, 150 से ज्यादा दुकानें तबाह हो गई। हमारा टाउन तकरीबन आधे से ज्यादा टाउन तबाह हो गया। गांव में हमारी लोगों की फसलें तबाह होगी, मकान तबाह हो गए, सड़कें बर्बाद हो गई, लोगों की जमीनें बर्बाद होगी। इतनी बड़ा तूफान जो है यहाँ पे आया, लेकिन शर्म की बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन को जो है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को टस से मस नहीं हुई। कोई टीम कहीं कोई एक मक्खी भी मर जाती है तो हेलीकॉप्टर लेके जो है एलजी इंतजामिया के लोग पहुंच जाते हैं, मगर सुन बोर्ड के लोगों को इग्नोर किया गया। इन लोगों की कोई कीमत नहीं। अगर उस दिन रात को 12 बजे ये फ्लड आता, कई लाशें बिक जाती। क्या एलजी इस चीज का इंतजार कर रही है कि सुरनकोट में लाशें बिक जाए फिर वो यहाँ पे आए, और उसके बावजूद जो है नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर नहीं किया। इतना नुकसान, करोड़ों अरबों का लोगों का नुकसान हो गया। माएं बहनें घरों में बच्चे आज जो उनके बदन पे कपड़े, उसके अलावा कुछ नहीं बचा सुरनकोट के लोगों में। 3 दिन से खाना तो दूर की बात है, पानी की बोतल तक एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है नहीं दी है। कितनी बड़ी ये शर्म की बात है। हम डिमांड करते हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से फौरी तौर पे इसको डिजास्टर डिक्लेयर किया जाए, स्पेशल पैकेज सुरनकोट के नाम दिया जाए, लोगों का जितना नुकसान हुआ है उसकी कंपनसेशन दी जाए, और आला अफसरों की टीम फौरी तौर पे जो है यहाँ पे सुरनकोट पहुंचे। अगर ये हमारी मांग पूरी नहीं की गई और सुरनकोट का ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं किया गया, हम जितने हमारे सीनियर, हमारे बुजुर्ग लोग हैं, हमारे सरपंच एसोसिएशन के लोग हैं, और हमारे जो जहां मकामी जो है नौजवान यूथ लीडर हैं, हम सारे जो है धरना को कंटिन्यू करेंगे। और अगर फिर भी जो है सरकार को जो है कान पे जू नहीं रहूंगी, तो यहां हजारों लोग जो है, आज हमने लोगों को नहीं बुलाया है, हम हजारों लोगों को गांव शहर से बुलाएंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो हम हंगर स्ट्राइक पे जो है कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर हम मसाइल आपके सारे जेन्युइन है, मैं नहीं कहता कि नहीं जेन्युइन है, मुझे लगा कि मैंने कोई पॉइंट छोड़ा नहीं था, या तो थोड़ा सा वो कम्युनिकेट करने में शायद मुझसे पता ही लगे कि आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। कम्युनिकेट आपने अच्छे से किया, मगर जो पॉइंट है आप, मैं उसी पॉइंट के, मैं उसी का कहा, सबसे पहले मैंने वहीं पकड़ा था। मैंने आपको पूरा बताया कि हमने 3 ही दिन हुए हैं, और 3 दिन में हमने अपनी वर्क डन रिपोर्ट आपके सामने रखी। उसके बाद मैंने ये कहा कि हमने फहरिस्त बना ली है, वो भी मैंने आंकड़े आपको पढ़ के सुनाए। मैंने कहा कि आज ही हम इसको ऑथेंटिकेशन के लिए लिस्ट गई हुई है, आ गई होगी आपके पास सुबह से। इस लिस्ट को मैंने आपको कहा कि ये हम, हमारी रिकमेंडेशन यही यही है कि भाई ये वन टाइम मैंने बस इस्तेमाल किया था, वन टाइम नेशनल कैलामिटी डिक्लेयर करके नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो सहूलियात एक विक्टिम्स को मिलती है वो दी जाए, उसी के लिए हम रिकमेंड करेंगे, उसी के लिए हमने ये फहरिस्तें तैयार करी हैं। बेसिकली जब कोई चीज डिक्लेयर करनी होती है तो उसके लिए आपको कुछ आंकड़ों की जरूरत होती है, अदाद शुमार की जरूरत होती है। दोनों बातें होनी चाहिए, जो मैंने आपको पहले कहा था कि कोई जेन्युइन रह ना जाए, इन जेन्युइन उसमें आ ना जाए, दोनों बातें। उन दोनों बातों पर चेक, क्रॉस चेक और काउंटर चेक का मैकेनिज्म हमने लगा रखा है।